गीत जो भुला दिए गए एपिसोड नंबर 2 का हम एपिसोड शुरू करें। उससे पहले एपिसोड नंबर 1 के लिए कुछ दोस्तों ने हमसे सवाल पूछे थे कि एपिसोड नंबर 1 पर बजाए गए 8 गानों में से कुछ गानों को उन्होंने रेडियो पर सुना हुआ है। दोस्तों मैं बताता चलूं कि 23 जुलाई 1977 को बेंगलोर स्टेशन FM पहली बार शुरू हुआ और 1990 तक उस स्टेशन का विकास होता गया और साथ साथ भारत के बहुत सारे FM रेडियोज शुरू हुए। 1993 को भारत सरकार ने प्राइवेट रेडियो चैनल को परमिशन दी, अनुमति दी अपने प्रसारण के हेतु। कुछ ऐसे मीडियम पर ही आप लोगों ने सुने होंगे ये सब गाने, लेकिन हमने जो कहा पहले एपिसोड में वो सभी गाने नॉट अप्रूव्ड और नॉट टू बी ब्रॉडकास्ट की श्रेणी पर ही है। ये है हमारा रिसर्च खास आपके लिए। दिल से दिल तक JD चैनल पर जितेश दवे JD का आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दूसरा एपिसोड शुरू करें। पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि प्रसारण से ऐसे ही गीतों को हटा दिया गया जिस गीतों में सरकार की नीति की गलत आलोचना की गई थी या कोई मादक द्रव्य का सेवन करने का जिसमें प्रमोशन किया गया था या किसी ब्रांड नेम को प्रमोट करने का या कैनवासिंग करने का हेतु देखा गया, ऐसे गीतों को बैन किया गया था। आज के दूसरे एपिसोड में खास तौर से ऐसे गाने जिसमें मादक द्रव्यों के सेवन को दिखाया गया और इसी हेतु इन सभी गीतों को प्रोहिबिटेड रखा गया प्रसारण से। 1978 में फिल्म आई थी देश परदेश, जो कि देवानंद की फिल्म थी। टीना मुनिम का उस फिल्म में डेब्यू था, संगीत था राजेश रोशन का। एक ऐसा गीत जो बड़ा ही पॉपुलर हुआ था लेकिन प्रसारण से दूर रखा गया था खास इस गीत के शब्दों के कारण। साल 1970 के दरमियान एक कव्वाली बहुत ही मशहूर हुई थी। हाँ जी, गीत के शब्द थे झूम बराबर झूम शराबी। वैसे ये कव्वाली रिलीज हुई थी अजीज नाजां की आवाज़ में और एक बड़ी सी LP के अंदर 2 गाने रिलीज हुए थे। एक साइड पर था झूम बराबर झूम शराबी और दूसरी साइड पर उस LP के गाना था तिरछी नज़र का ओ दिलदारा तूने इस अंदाज से मारा कि ओ दुनिया मान गई। लेकिन झूम बराबर झूम शराबी की जबरदस्त कामयाबी को देखते हुए IS जोहर ने फिल्म बनाई थी फाइव राइफल्स। फाइव राइफल फिल्म के अंदर झूम बराबर झूम शराबी ओरिजिनल साउंड ट्रैक रखा गया, लेकिन फिल्म के अंदर पिक्चराइज हुआ एक लड़की के ऊपर। झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम खाली घटा है की पता है। 1974 की ये फिल्म फाइव राइफल का और भी एक गीत था, म्यूजिक था कल्याण जी आनंद जी का और उस गीत के लिरिक्स भी कुछ ऐसे थे कि जब से सरकार ने नशाबंदी तोड़ दी मानो या न मानो हमने पीनी छोड़ दी। ये दोनों गाने नॉट अप्रूव्ड की श्रेणी में रखे गए थे। जब से सरकार ने नशाबंदी तोड़ दी जब से सरकार ने नशाबंदी तोड़ दी मानो या न मानो हमने पीनी छोड़ दी। अरे मानो या न मानो हमने पीनी छोड़ दी छोड़ दी छोड़ दी।
साल 1974 में और एक फिल्म आई थी जिसका संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म का नाम था हाथ की सफाई। इस फिल्म का भी एक गीत था, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। ये गीत भी प्रसारण से दूर था, नॉट अप्रूव्ड और नॉट टू बी ब्रॉडकास्ट की श्रेणी में। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, साल 1976 में कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन पर एक और गीत आया जो प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। फिल्म का नाम था बैराग। दिलीप कुमार की ये फिल्म थी। उस फिल्म का एक गाना था मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाता। साल 1974 की एक फिल्म थी, फिल्म का नाम था मजबूर। अमिताभ बच्चन की ये बड़ी ही पॉपुलर फिल्म थी। उस फिल्म के अंदर प्राण पर एक पिक्चराइज हुआ गीत, दारू की बोतल में साहब पानी भरता है फिर ना कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। यह गीत भी प्रसारण माध्यमों से दूर रखा गया इस गीत के लिरिक्स के कारण। दारू की बोतल में साहेब पानी भरता है फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। हे हवाई तो साहेबा ला 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 ला, हवाई तो साहेबा ला 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 ला। 1970 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था सास भी कभी बहू थी। संगीत था आर डी बर्मन का और गीत के बोल थे एक बोतल हो बगल में। बड़ा ही मेलोडियस गाना था, लेकिन इस गीत को आकाशवाणी रेडियो और दूरदर्शन पर कभी आपने प्रसारित होते हुए शायद ही सुना हो। एक बोतल हो बगल में और हाथ में हो एक जाम, फिर किसको फुर्सत सोचे कब सुबह हुई कब शाम। एक बोतल हो बगल में और हाथ में हो एक जाम, फिर किसको फुर्सत सोचे कब सुबह हुई कब शाम। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ एक फिल्म आई थी 1976 में, फिल्म का नाम था चरस। सभी गाने बड़े ही पॉपुलर, आजा तेरी याद आई, नाजा राजा, दिल तोड़ के, मुझे अकेला छोड़ के, ऐसे सभी मेलोडियस गीत के बीच में एक गीत था, ये धुआं चरस का नहीं है। ये गीत भी मादक द्रव्यों को प्रोत्साहित करता हुआ मानकर प्रसारण माध्यमों से दूर रखा गया। एक फिल्म आई थी, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम था जलते बदन। इस फिल्म का एक गीत था आग से आग बुझा ले। वैसे मुखड़े में ऐसा कोई लफ्ज आपको दिखेगा नहीं, लेकिन फिल्म का पिक्चराइजेशन भी ऐसा था जो देखकर मादक द्रव्यों के सेवन को भी प्रमोट करता हुआ लगे। और बाद में क्रॉस लाइन पर ऐसे लिरिक्स भी थे जो प्रसारण से दूर रखना वाजिब माना गया। दिए गए आज का दूसरा एपिसोड यहां पर संपन्न करते हैं।
अगले तीसरे एपिसोड पर मिलेंगे कुछ ऐसे ही नॉट अप्रूव्ड और नॉट टू बी ब्रॉडकास्ट की लिस्ट पर शामिल किए गए गीतों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।